तारासंत का भाई हरिराम उसके साथ बहुत धोखा करता है और तारासंत की ऐसी नौबत आ जाती है, वो भूखों मरने की मोहताज हो जाता है। समय बदलता है, उसके जहाज डूब जाते हैं, बेटा गिरवी रखना पड़ जाता है, लेकिन तारासंत और उसकी पत्नी धर्म कर्म का रास्ता नहीं छोड़ते। हम सबको भी धर्म कर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। कहते दान में दिया गया एक रुपया 40 रुपये होके वापस मिलता है, ये सच्चाई है। धर्म कर्म करते रहते हैं तो जो खोया हुआ बेटा था 200 रुपये में गिरवी रखा था वो भी वापस मिल जाता है और उसकी बहू भी मिल जाती है, धर्म माल के चंद्रगुप्त भी मिल जाते हैं और वो दोनों अपने बेटे और बहू के साथ दोबारा दिल्ली में आकर रहने लग जाते हैं। ये नई रागनी ये बतलाने के लिए तैयार करने का प्रयास किया गया आपके इस बेटे आपके इस भाई के द्वारा कि गलत आदमी के साथ क्या घटना घटी। तो एक आखिरी रागनी तारासंत के किस्से में जोड़ने का प्रयास किया, उस हरि राम के क्या हालात बने, उसके साथ क्या घटना घटी, क्या बीतता है उसके साथ, ये बतलाने का प्रयास किया है। वो हरि राम ये हमारे बीच में भाई अमित पहलवान जी कसार गांव से के कैंडिडेट हैं जिला परिषद के और हम कामना करते हैं कि यहाँ यहाँ नहीं भाई साहब, जहां भी हमारा प्रोग्राम होता है धार्मिक प्रोग्राम होता है भाई साहब को मैं हमेशा देखता हूँ, ये हर धार्मिक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के नाम की जरूर बताते। 501 रुपये से इस पार्टी का मान सम्मान भी करते हैं और हमेशा करते रहते हैं। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बतलाते हैं कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आती है, हरि राम का भी उल्टा बखत आ जाता है और भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है। अपने बालक बच्चों के साथ दिल्ली की नगरी में घूमने लग जाता है भीख मांगता हुआ। तारासंत के साथ दगा करने वाला उसका भाई हरि राम और भगवान की करनी भीख मांगता मांगता तारासंत के नए मकान के पास ही पहुंच जाता है और अलख जगाता है, भिक्षा मांगता है तारासंत के घर के बाहर। क्या हालात बनते हैं, क्या बदल जाते हैं। हरि राम फिर भीख मांगता के लगते पाट रहे और हरि राम के पाए में जूती चप्पल नहीं। किसी भगवान के प्यारे के साथ जो व्यक्ति दगा करता है उसका यही आशय होता है। क्या कहा,
दरवाजा खटखटाता है, जोर से चिल्लाता है, तो उस दयावती ने जिसने धर्म कर्म करके उस ताराचंद का उजड़ा हुआ घर दोबारा बसा दिया, वह इतनी समझदार नारी थी कि बेटा 200 रुपए में गिरवी दरवाया, घर का काम चलवाया, और तुम्हें 200 रुपए भी खो गए थे, उसकी हिम्मत बढ़ाई लाला जी की और दोबारा वहीं स्थापित हो गए जहां से कभी जुड़े थे। धर्म कर्म की राह ही नहीं छोड़ी। जैसे ही भिखारी की आवाज सुनी, थाली में दाल चावल भात दूध दही लेकर फिर चल पड़ी जैसे पहले चलती थी। क्या कहा किसी के लिए तैयार करी है। पहली में वो अपने मुनीम से पूछता भी मैं क्या करूं, इस हरिराम इस ताराचंद का नाश करने के लिए क्या करूं, मुनीम से सलाह मांगता। तो मुनीम बतलाता कि भाई एक सेवड़ा मारे काम में गलत करण मांग गए और नाश होया, फिर भी ना धर्म की राह त्याग गए। तू जाके उससे पूछ, बतावेगा वो एक कोई सकीम, उससे जाके पूछ। एक तैयार आगनी तो उस सेवड़े के पास जाता है हरिराम, तो सेवड़ा कहता है कि धर्म करे तो मान मिला करे, कर दिए धर्म तो दूर और ताराचंद की इज्जत शोहरत हो जा चूर चूर। जब यह सलाह वो सेवड़ा देता है तब वो हरिराम जाकर समझाता है उसको,
अगर भाई तनुमत खर्चे और वह बात मान ली बेचारे ताराचंद ने और उसका नाश हो गया। तो ईसा को सलाह दे अगर भाई धर्म कर्म मत करो तो उसी बात मानियो मत ना, अपनी जितनी जात धर है धर्म कर्म करते रहियो। क्या कहा चौथी करी Yeah,